नमस्कार भंज चैनल को स्वागत करुच्ची मु बिंदु बासिनी आसंत नजर पकाइबा आज मुख्य खबर उपर ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय मो कॉलेज अभियान आरंभ पुरातन छात्र छात्री को शिक्षानुष्ठान जोड़ा लक्ष्य ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय क्रिया परिषदर साधारण बैठक अनुष्ठित विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य उपरे गुरुत्व प्रदान दक्षिण ओडिशा सांस्कृतिक गवेषणा केन्द्र पक्षर जातीय वेबिनार आयोजित दक्षिण ओडिशार लोक संस्कृति उपरे आलोचना चक्रर शीर्षक ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय इतिहास स्नातकोत्तर विभाग तरफ जातीय वेबिनार आयोजित सामाजिक संस्कार दिगरे गांधीवादी और अंबेडकर विचारधारार प्रयोग उपरे गुरुत्वारोप आज भंज चैनल विशेष ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय सांबादिकता गणजोगाजगर स्नातकोत्तर विभाग तरफ जातीय वेबिनार आयोजित होगा जाऊँगी भारतीय मीडिया और कोविड 19 ए वेबिनार शीर्षक विषय वस्तु उच्चशिक्षा विभाग तरफ आरंभ होइछि मो कॉलेज अभियान राज्य सरकारी और अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय और महाविद्यालय गुड़िकर पुरातन छात्र छात्री को शिक्षानुष्ठान जोड़ा लक्ष्य आरंभ होता यह अभियान वेब पोर्टल को निकट में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक लोकार्पण करिप्रेक्षी में मार्च 21 तारीख दिन ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय विजु पटनायक ऑडिटोरियम ठारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम से यह कार्यक्रम ब्रह्मपुर विधायक श्रीजुक्त विक्रम पंडा विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर गोविंद जी चक्रपाणी पीजी काउंसिल अध्यक्ष प्रोफेसर अरुंधती रथों सह अन्य पदाधिकारी प्रोफेसर माने और छात्र छात्री माने उपस्थित रही वर्चुअल भाव जोग देते अवसर में मो कॉलेज संपर्कित क्षुद्र चलचित्र एक संगीत वीडियो एनिमेशन वीडियो प्रदर्शित होता ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषदर वार्षिक साधारण बैठक मार्च 17 तारीख में अनुष्ठित हो बैठक में मुख्य अतिथि भाव विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर गोविंद जी चक्रपाणी सम्मानित अतिथि भाव कुलसचिव रंजन कुमार विश्वाल पीजी काउंसिल अध्यक्ष प्रोफेसर अरुंधती रथ प्रमुख जोगदे बेले संपादक डॉक्टर बलभद्र त्रिपाठी एथिरे अध्यक्षता करते बैठक में आगामी क्रीड़ा सीजन पर 15,50,000 टंकार बजेट प्रस्ताव उपस्थापन कर चलित वर्ष करोना जो कौन प्रतियोगिता आयोजन हो नर पुरुष वर्गर हॉकी हैंडबॉल टेबल टेनिस एवं महिला वर्ग क्रिकेट बास्केटबॉल और टेबल टेनिस ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजन योजना कर खेल पड़िया पाचेरी निर्माण क्रीड़ा प्रशासक नियुक्ति आदि प्रसंग उपर आलोचना कर बैठक में विश्वविद्यालय समस्त पदाधिकारी सह विश्वविद्यालय अधीन प्राय 82 कॉलेज अध्यक्ष और पीटी जोग देते ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय दक्षिण ओडिशा सांस्कृतिक गवेषणा केन्द्र पक्षर दुईदिनिया जातीय वेबिनार अनुष्ठित हो गवेषणा केन्द्रर निर्देशक प्रोफेसर प्रसन्न कुमार स्वाईं सभापत दक्षिण ओडिशार लोक संस्कृति उपरे आलोचना चक्र आयोजित हो मुख्य अतिथि भाव भारतीय ज्ञानपीठ प्रतिष्ठान अध्यक्ष पद्मश्री प्रतिभा राय जोगदे आधुनिक संस्कृति और समाज विकास परिपंथी नुहे बर परिवर्तन स्रोतरे या परिपुष्ट और समृद्ध होइथै बोली मतव्यक्त करथिले एही वेबिनार कार्यक्रम प्रथम दिन में पीजी काउंसिल अध्यक्ष प्रोफेसर अरुंधती रथ सभापतित्व करिबा सह द्वितीय दिन खलिकर स्वयंशासित कॉलेज रे अध्यक्ष प्रोफेसर उत्तम जेना सभापतित्व करथिले एही कार्यक्रम रे विभिन्न विश्वविद्यालय रे कार्यरत प्रोफेसर माने निज निजर प्रबंध उपस्थापन करथिले आयोजित कार्यक्रम में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर गोविंद जी चक्रपाणी जोगदे उपस्थित समस्त गवेषक और गवेषिका को उत्साहित करते ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय इतिहास स्नातकोत्तर विभाग तरफ मार्च 23 और 24 तारीख में दुईदिनिया जातीय वेबिनार कार्यक्रम आयोजित हो यार विषय वस्तु सामाजिक संस्कार दिगरे गांधीवादी और अंबेडकरवादी विचारधारा प्रयोग उपर आधारित थिबा बेले एथिरे प्रोफेसर दीपक गायकवाड़ प्रोफेसर एमसी बेहरा प्रोफेसर बीके मल्लिक और डॉक्टर रानुचिला चांकेरी प्रमुख निजर वक्तव्य रखिथिले एही कार्यक्रम रे विभिन्न छात्र छात्री तथा व्यक्ति विशेष माने जूम मीटिंग जरिया रे जोग देथिले बोली विभागीय मुख्य तथा आवाहक डॉक्टर सदानंद नायक सूचना देछंती आसंता मार्च मास 30 और 31 तारीख में ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय
ସାମ୍ବାଦିକତା ଓ ଗଣଯୋଗାଯୋଗର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଦୁଇଦିନ ଜାତୀୟ ୱେବିନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଓ କୋଭିଡ-19 ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରମୁଖ ବକ୍ତା ଭାବେ ତେଜପୁର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଫେସର ସୁନୀଲ କାନ୍ତ ବେହେରା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନଗର ମହିଳା କଲେଜର ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ପାଣ୍ଡେ, କଲିକତା ମହିଳା କଲେଜର ଡକ୍ଟର ସୁରୋହିତା ବସୁ ଏବଂ ଜାଭିୟର ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଡକ୍ଟର ସମାକ ସେନ ପ୍ରମୁଖ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ୱେବିନାରରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ 130ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ପ୍ରି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଗୁଲ ମିଟ୍ ଜରିଆରେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜିର ଖବରକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।